लेबलिंग हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बेटा, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन का, बहुत ही शॉर्ट में आपको अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में हम लोग ट्वेल्थ में इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ट्वेल्थ में वो इजिली समझ में आ जाए। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रायो साइट वगैरह प्रेजेंट है बेटा। इस बार मैं डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बनाता हूँ। चलिए तो डायग्राम अपन क्या बना रहे हैं भाई, तो ये हमारा इस टाइप का है ना, ये हमारा न्यू सेला से सेल है बेटा। क्या प्रेजेंट है, ये कौन सा सेल है, न्यू सेला से सेल। मैं बताया था ना कि ये किसी भी एंगल में हो सकता है, तो न्यू सेला से सेल। अब ये इसका माइक्रोपाइलर एंड आ जाएगा, तो दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड है ना, आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट, तो दिस वन इज आउटर एंड दिस वन इज इनर इंट्यूबमेंट है ना, आउटर एंड इनर इंट्यूबमेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यू सेलस सेल, ये न्यू सेलस सेल है। अब बताओ इस एरिया में क्या प्रेजेंट है, तो इस एरिया में प्रेजेंट है एक सेल साथ में दो सिनर्जिड सेल। ये चलाजा एंड है, चलाजा एंड पे क्या प्रेजेंट है भाई, तो एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या प्रेजेंट है, दो पोलर न्यूक्लियाई। यही है क्या स्ट्रक्चर, यही है एक सेल दो सिनर्जिड दो पोलर निकला यानी सेंट्रल सेल और ये एंटीपोडल सेल, यही स्ट्रक्चर है। अब सुनना पैरेलली यहां पर देखें तो क्या प्रेजेंट है भाई, तो यहां पर प्रेजेंट है आपका एंथर, इस टाइप का प्रेजेंट है। और एंथर ने क्या रिलीज किया बेटा, पोलन, क्या रिलीज किया, पोलन ग्रेन्स, यानी कि एंथर ने पोलन ग्रेन्स रिलीज किया। और ये अपना मानकर चलो कि ये स्टाइल है, और स्टाइल के बाद ये क्या है स्टिग्मा, अपने स्टाइल ऐसे देखे थे डायग्राम, ये स्टिग्मा और ये ओवरी, इस टाइप का डायग्राम अपन देखे थे क्या, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी अपना ये है, ये स्टिग्मा ये हो गया और ये स्टाइल हो गया है ना। अब सुना ये पोलन ग्रेन्स यहां से क्या करेगा बेटा, ये पोलन ग्रेन्स यहां पर जाकर के लैंड करेगा बाई एयर बाई इंसेक्ट या तो जैसे भी हो किसी भी सोर्स के थ्रू है ना, पोलिनेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये पोलन ग्रेन्स कहां पे आ गया जाकर के, ये स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर गया। ये क्या है बेटा अपना स्टिग्मा है, दिस वन इज स्टिग्मा, और ये क्या है बेटा अपना स्टाइल है, और ये अपना क्या है ओवरी, दिस वन इज ओवरी है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के अंदर न्यू सेलस सेल है, न्यू सेलस के सेल के अंदर एक सेल प्रेजेंट है, दो सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, तीन एंटीपोलर सेल प्रेजेंट है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। आया समझ में, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक क्लियर कर लिए थे। अब देखना ये पोलन ग्रेन्स, अगर मैं सिंगल एक पोलन ग्रेन्स की बात करूं तो एक पोलन ग्रेन्स, जैसे मान के चलो ये एक पोलन ग्रेन्स है बेटा, तो इसमें दो गैमेट प्रेजेंट होते हैं। कितने गैमेट प्रेजेंट होते हैं, गैमेट टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा, टू प्रेजेंट होते हैं। गैमेट का मतलब क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि गैमेट मतलब होता है सेक्स से, जो आगे जाकर के फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो गैमेट है बेटा, गैमेट नंबर वन एंड गैमेट नंबर टू, टोटल गैमेट कितने प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट होता है। एक पोलन ग्रेन्स में दो गैमेट प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे केस में ट्वीन बहुत ही रेयर केस में होता है कि दो बच्चे पैदा होते हैं, दो स्पर्म जाकर के वहां पर क्या प्रेजेंट, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, उसमें गैमेट प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। लेकिन जिसके पास जितनी पोटेंसी होती है, सबसे मैक्सिमम जो पोटेंसी होती है, वही जाकर के क्या करता है, फर्टिलाइज करता है अपने केस में। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट के केस में क्या होता है बेटा, कि हर पोलन ग्रेन्स के पास दो गैमेट होता है, यानी दो बार ये फर्टिलाइज करेगा, गैमेट वन एंड गैमेट टू। अब सुना ये पोलन ग्रेन्स एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, यहां पर खाता पीता है इनके चीजों को, नरिशमेंट को खाते पीते हुए ये एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और उसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये पोलन ग्रेन्स क्या करेगा बेटा, इस माइक्रोपाइलर एंड में क्या करेगा, इंटर करेगा। तो यहां से ये पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहां पर इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर जहां पर ओपनिंग प्रेजेंट है, एक स्मॉल क्या प्रेजेंट है भाई, ओपनिंग प्रेजेंट है, वहीं पर ये जाकर के क्या करेगा, इंटर करेगा। तो देखना ये पोलन ग्रेन्स, और मैंने क्या बताया भाई कि टोटल पोलन ग्रेन्स कितने हैं, दो, तो वन एंड टू गैमेट है, ये वन एंड गैमेट टू, एक पोलन ग्रेन्स में दो गैमेट। मान लो कोई एक पोलन ग्रेन्स इंटरेस्टेड हुआ और ये इंटर किया, और ये इंटर करते हुए आ रहे हैं दो और एक, और एक समय आएगा कि यहां पर फिर से दो आ गया और क्या आ गया भाई, वन,
यानी कि क्या क्या भाई वन, और ये ऐसे ही क्या होंगे इंटर कर जाएंगे। अब सुना सबसे पहले कौन आएगा, नंबर वन गैमेट, फर्स्ट वाली गैमेट, समझना चीजों को, है ना। बाकी आपको जैसे भी लिखना है आप अच्छे से वीडियो को रोक रोक करके आप लिखना, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से चीजों को लिखते जाना, है ना। मैं बस आपको समझा रहा हूँ चीजों को। तो गैमेट वन और गैमेट टू, दो गैमेट आए। गैमेट वन जो बेटा एक सेल के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ये सिनर्जिड सेल क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले ही यहां से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। क्यों डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड क्योंकि अपना भोजन ये इसको दे देते हैं डेवलपमेंट के लिए। मैं अगर आपको अपना भोजन आपको मैं दे दूं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो वही बात होती है, अपना भोजन इसको दे देते हैं एक सेल को, जिसके कारण ये सिनर्जिड सेल को क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल क्या हो गया भाई, डिग्रेड, क्या हो गया बेटा, डिग्रेड हो गया। अब सिनर्जिड सेल डिग्रेड हो गया तब होता क्या है कि एक सेल जो है यहां पर क्या सीन चलता है, एक सेल प्लस गैमिट वन, मेल गैमिट, है ना, मेल गैमिट वन, जो हमारा मेल गैमिट वन है, मेल गैमिट कितने हैं, दो है, एक पॉलिनेंस के पास दो गैमिट, तो मेल गैमिट वन और एक सेल ये दोनों क्या होते हैं यहां पर फ्यूज होंगे, यानी कि फर्टिलाइज करेंगे। क्या होंगे बेटा, तो यहां पर ये फ्यूज होंगे और इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाएंगे आपका डिप्लॉइड, यानी कि जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रायो या इम्ब्रियो, और इम्ब्रायो से क्या बनेगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन होगा। फिर से मैं बता दूं, मेल गैमेट वन यानी पॉलिनेंस का एक सेल के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से क्या बनेगा, सीड। आया समझ में। अब सुना सिनर्जिक सेल तो यहां से डिग्रेड हो गया, यानी सिनर्जिक सेल यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए हमने सिनर्जिक सेल को डिग्रेड कर दिया क्योंकि इन्होंने अपना भोजन इसको दे दिया। फर्टिलाइजेशन होते होते ये जब जायगोट इम्ब्रायो सबका फॉर्मेशन होते रहता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो एंटीपोडल भी अपना भोजन किसको दे देता है भाई, तो एंटीपोडल भी अपना पूरा भोजन किसको दे देता है, एक सेल को। तो अब यहां पर क्या बचा भाई, सेकेंड एंटीपोडल, और एंटीपोडल सेल भी क्या हो गया, डिग्रेड, अपना भोजन किसको दे दिया, एक सेल को, वो भी डिग्रेड हो गया। आया समझ में। तो हमने इसको भी क्या कर दिया भाई, ये भी डिग्रेड हो गया। अब क्या बचा हुआ है, सेंट्रल सेल यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, क्या बचा हुआ है, ये सेंट्रल सेल है और उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसकी स्टोरी सुनते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट तो हमने यहां पर फर्टिलाइज कर दिया, अभी भी सेकंड गैमेट, एक पोलिनेंस के पास दो गैमेट है, तो अभी भी सेकंड गैमेट का आना यहां पर क्या है, बरकरार है। यानी अभी भी आप क्या आएगा, फर्स्ट गैमेट का अपना काम कर दिया, आगे जाकर के सीड बनाएगा, सेकंड जो गैमेट है बेटा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ मेल गैमेट टू, मेल गैमेट टू क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइज। तो पहली फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बोलेंगे, डुअल फर्टिलाइजेशन। किसके बीच में हुआ, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट। अब सुनना बेटा, हर एक सेल चाहे सिनर्जिड हो, चाहे एंटीपोडल हो, चाहे कोई भी सेल हो, सभी के सभी क्या है, हैप्लॉइड नेचर के हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिनर्जिड क्या है भाई, हैप्लॉइड है, सिंगल ए, एंटीपोडल भी क्या है, सिंगल सिंगल एन है। यहां पर थर्ड सेल क्या पर लिखे बेटा, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल में देखो बेटा कितने न्यूक्लियाई है, दो, यानी कि क्या है, डिप्लॉइड नेचर का। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे कि केवल और केवल सेंट्रल सेल ही डिप्लॉइड नेचर का है, इसके अलावे एंटीपोडल का तीन सेल क्या है भाई, हैप्लॉइड नेचर का। सिनर्जिड सेल क्या है भाई, जो दो है वो भी क्या है, हैप्लॉइड नेचर के। जो एक सेल प्रेजेंट है बेटा, यहां पर एक और क्या प्रेजेंट था, एक सेल भी याद रखना बेटा, ये भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल एन ही होते हैं, है ना। ये एक सेल क्या है भाई, सिंगल एन, मेल गैमेट क्या है, सिंगल एन, एन एन क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, टू एन, इम्ब्रायो क्या होगा, टू एन। आया समझ में। तो वहां से डिप्लॉइड होंगे। अब सुनना,
या अब ये भी सीड भी क्या रहेगा, सीड भी याद रखना 2n ही है, डिप्लॉयड नहीं है। अब इसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा ना, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वाले हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट। अरे ब्रायोफाइटा को छोड़ करके जितने भी प्लांट हैं सभी के सभी क्या है भाई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वाले हैं। केवल ब्रायोफाइटा ही गैमेटोफाइटिक जनरेशन में आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्मी प्लांट हो, ये सभी के सभी क्या है स्पोरोफाइटिक जनरेशन वाले हैं। तो यहां पर सबके साथ स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉयड और गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है हैप्लॉयड। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। तो पोलर निप्लाई प्लस मेल गैमेट ये दोनों क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन आगे जाकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल जिसको हम शॉर्ट में PEN भी बोलते हैं। और यही एंडोस्पर्म सेल को ही हम कोकोनट वाटर भी बोलते हैं, जो कोकोनट का पानी पीते हैं ना, वो यही एंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनी हुई है। एक्चुअली ये भी क्या है भाई, जो इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है नरिशमेंट के लिए। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो परसिस्टेंट यानी कि उनमें प्रेजेंट रहते हैं एंडोस्पर्म, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पूरी एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं। अब बताइए जो जायगोट है, ये एम्ब्रियो है, और ये जो सीड है इसको क्या करेगा, यूज करेगा न्यूट्रिएंट से भी, क्योंकि भाई सिनर्जिक सेल तो अब न्यूट्रिएंट देगा नहीं, मर गया, डिग्रेड हो गया, एंटीपोडल भी डिग्रेड हो गया। तो अब ये जो फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट एम्ब्रियो बन रहा है उसको नरिशमेंट कौन करेगा, उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसको फूड प्रोवाइड करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि PEN यानी कि एंडोस्पर्म। ये अपना फूड जो है बेटा, ये अपना फूड जो है बेटा किसको दे देगा, ये अपना फूड देगा किसको, एम्ब्रियो को, सीड को और जायगोट को, ताकि वो सर्वाइव करे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने एंडोस्पर्म को पूरी तरह से नहीं देता यानी कि उनके सीड जो है वो उनको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उनमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में जो ऑयली पोर्शन है बेटा वो क्या प्रेजेंट है, तो वो एंडोस्पर्म है। कोकोनट वाटर क्या है, एंडोस्पर्म है। आया समझ में? तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों कांसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैसी चीजें होती है, कहां से चीजें आती है, माइक्रोपायलेंट क्या होते हैं, एक सेल का रोल क्या है, पोलर न्यूक्लाई का रोल क्या है, ये याद रखना बेटा। एक सेल देखो, सभी के सभी एम्ब्रियो सैक में सभी के सभी हैप्लॉइड नेचर के सेल हैं, केवल और केवल सेंट्रल सेल को छोड़कर, क्योंकि सेंट्रल में दो है। पोलर न्यूक्लाई कितने भाई, 2n और मेल गैमेट n, तो टोटल कितना क्या बनता है यहां पर, जो ये pn होगा तो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का। कैसे नेचर का होगा, ट्रिप्लॉयड। अरे जायगोट तक तो हम डिप्लॉयड ही देख रहे थे, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो ट्रिप्लॉयड का फॉर्मेशन कर दिया, 3n का फॉर्मेशन कर दिया भाई, 2n प्लस n क्या बनेगा, ट्रिप्लॉयड बनेगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा यानी डुअल फर्टिलाइजेशन होगी, और डुअल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, तो वहां पर प्लॉयडी बनेगी ट्रिप्लॉयड। जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लॉयडी बनेगी वो क्या बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। बाकी इससे पहले जो भी चीजें हैं सभी के सभी हैप्लॉयड हैं एक्सेप्ट देन सेंट्रल सेल। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो चलिए, ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। लास्ट कॉन्सेप्ट है एंजियोस्पर्मी प्लांट के बाद, इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर और मैं लूंगा, उसको बाइंड अप करूंगा लाइफ साइकिल से रिलेटेड, जिनमें जब लास्ट पेज आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में, तो लाइफ साइकिल को एक जगह पर क्या किया उन्होंने, बाइंड अप किया है। तो उसको भी मैं आपको वहां से, बहुत ज्यादा नहीं 10 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी रिकॉल कराऊंगा मेमोरी को, क्योंकि हम लोग लाइफ साइकिल पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने ब्रायोफाइटा का भी लाइफ साइकिल आपको बताया, टेरिडोफाइटा का भी बताया, हमने जिम्नोस्पर्म का भी आपको लाइफ साइकिल बताया, और आज हम लोग एंजियोस्पर्मी प्लांट का भी लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सारे लाइफ साइकिल हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो पोर्शन को बाइंड अप जरूर करेंगे, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आएगा तो 100% श्योर है बेटा कि एनसीईआरटी ने जो बाइंड अप किया है पेज को, लास्ट पेज को, जिसने जिसमें उसने कवर किया है लाइफ साइकिल के बारे में, वहीं से क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। अगर लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आता है तो वो पेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं वहां पर आपको क्या करूंगा, उस लेक्चर को भी मतलब बाइंड कर दूंगा। तो आज हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं बेटा, और जितने भी हायर प्लांट हैं, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्मी प्लांट हो, चाहे वो एंजियोस्पर्मी प्लांट हो, इनकी जो गैमेटोफाइट होगी, जो डोमिनेंट फेज होगी, वो क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी।
स्पोरोफाइटी क्या होगा, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट यानी कि मेन फेज। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको चीजें अच्छे से समझ भी आ रही होगी, अगर आप प्रीवियस सारे वीडियोस को देखते आ रहे होंगे, उनको समझते आ रहे होंगे। तो ये जो वर्ड जो मैं यूज करता हूँ, जो टर्म मैं यूज करता हूँ, वो सारे टर्म्स आपको इजिली क्या हो रहे होंगे, माइंड में सेट हो रहे होंगे। तो जो डोमिनेंट फेज है बेटा एंजियोस्पर्मी प्लांट का, वो डोमिनेंट फेज भी क्या है अपना, स्पोरोफाइटिक है। केवल और केवल ब्रायोफाइटा में क्या है, गैमेटोफाइटिक है, इसके बाद सभी में क्या है, स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड। क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड। मैंने आपको बताया था कि सीड का फॉर्मेशन हुआ यानी कि डिप्लॉयड, और वही सीड आगे जाकर के क्या करेगा, नई प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और वहीं से फिर से क्या होगा, नई प्लांट के बाद फिर से पहचान सारी चीजें होगी, फ्लावर्स बनेंगे, एंथर बनेंगे, एंड्रोसियम गाइनोसियम डेवलप होगा, पोलिनेशन बनेगा, एक सेल बनेगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से सीड बनेगा। दैट इज लाइफ साइकिल बाय बर्थ टू टिल द डे। यही तो क्या है, लाइफ साइकिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोग सीड से शुरू किया और सीड पर ही क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, दैट इज लाइफ साइकिल। तो वहीं से चीजें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सुना, एक प्लांट है यानी कि स्पोरोफाइटिक, अपन कहां पर है, प्लांट पे है, मैच्योर प्लांट पे है। तो चलिए यहां पर क्या है भाई, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक मैच्योर प्लांट है। एंजियोस्पर्मी का अपन क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल देख रहे हैं, एनसीईआरटी ने उसको डायग्राम बनाया भी है। तो मैच्योर प्लांट में बेटा दो चीजें होगी, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दो चीजें प्रेजेंट होगी भाई, ऑब्वियसली। एक प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेट या तो मेल, है ना, एक क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेल, और एक क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आरओ का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एंड्रोसियम, और यहां पर क्या है, गाइनोसियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। कमांड बनाना है टर्म पे, सारे वर्ल्ड पे कमांड बनाना है, ट्वेल्थ में भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे। फीमेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया भाई, गाइनोसियम, तो दिस वन इज गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर, एंथर, है ना, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो क्या प्रेजेंट है भाई, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो सेल है भाई कैसा नेचर का है, डिप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है ना, तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहां पर क्या है भाई, डिप्लॉयड है। इस गाइनोसियम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसाइट प्रेजेंट है। तो उस इम्ब्रायर सैक के अंदर या उस ओवरी के अंदर, उस ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे यहां पर माइक्रोस्पोर है तो वहां पर होगा मेगास्पोर मदर से, है ना, वो भी डिटेल्ड में अपन पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, उसकी भी कैसे पोलिनेशन कैसे बनता है, एक सेल का डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे 8 सेल बन जाते हैं, क्यों सेवन सर कैसे 7 सेल पर बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा ट्वेल्थ में। अभी अभी उस क्यूरियोसिटी को केवल आप बचा करके रखो, है ना, जितना भी मैं बता रहा हूं उतना कंप्लीट करते रहना। ओवरी के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, तो मेगा स्पोर, स्पोर मदर से, क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोर मदर से। और इनका भी नेचर क्या है भाई, तो इनका भी नेचर डिप्लॉयड ही है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन, क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, इनमें भी होगा, दोनों अभी बिल्कुल सेम ही चल रहे हैं, मियोसिस डिवीजन होगा। तो ये क्या बना देंगे भाई, ये तो बना देंगे डायरेक्ट एक सेल, और इनमें मियोसिस डिवीजन होगा तो ये बनाएंगे पोलन ग्रेन। अब बताओ 2n है, मियोसिस होगा तो जस्ट हाफ आ जाएगा, यानी कि पोलन ग्रेन कैसा, हैप्लॉइड, एक सेल कैसा, हैप्लॉइड, आया समझ में। यानी अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया, अभी तक हम लोग स्पोरोफाइटिक में थे, अब गैमेटोफाइटिक, जहां पर 2n है स्पोरोफाइटिक और जैसे ही n आ गया गैमेटोफाइटिक, आपको याद रखना है। तो गैमेटोफाइटिक स्टार्ट हो गया, इस पोलर ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, 2 क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट, ऑब्वियसली 2 मेल गैमेट ही प्रेजेंट है। फर्स्ट वन फर्टिलाइजेशन करके सीड बनाएगा और सेकंड फर्टिलाइजेशन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। तो 2 मेल यहां पर क्या हो गया भाई, 2 मेल प्रेजेंट है और इसमें एक सेल प्रेजेंट है,
तब यहां पर क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन यानी यहां पर क्या हो गया भाई, तो यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है ना। अब सुनना, दो मेल गैमेट है यानी कि यहां पर 2n है, n प्लस n, दो अलग अलग है हैप्लॉइड, गैमेट वन गैमेट टू, ये गैमेट वन है और ये गैमेट टू है। अब गैमेट वन फर्टिलाइज करके क्या करेगा बेटा, एक सेल के साथ फर्टिलाइज कौन करेगा, गैमेट वन, गैमेट टू तो करेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा भाई यहां पर, जायगोट। और जायगोट सिंगल एन प्लस सिंगल एन क्या बन जाएगा, टू एन, यानी कि फिर से क्या आ गया, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो गैमेटोफाइटिक केवल इतना ही था, बाकी फिर से स्पोरोफाइटिक, दैट्स व्हाई यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक है। ये जायगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो आगे जाकर के क्या बनाएगा, सीड। ये सीड फिर से जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के आगे जाकर के क्या बनाएंगे, मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। एंजियोस्पर्मी प्लांट में लाइफ साइकिल में हमें बस, मैंने क्या बताया कि अगर आप प्रीवियस क्लास जो मैंने आपको अभी बताया, दो क्लास में जो चीजों को मैंने समझाया, अगर उसको आप इजीली समझ जाओगे तो आपको लाइफ साइकिल से रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं रहेगा, फिर आप इजीली उस लाइफ साइकिल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये क्या हो गया भाई, तो लाइफ साइकिल है क्या है भाई, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। अगर आप चाहते हो उसको डिवाइड करना, तो देखो भाई यहां तक जो चीजें थी, यहां से जो ये चीजें आई ना, ये सारी चीजें क्या थी भाई, स्पोरोफाइटिक, सॉरी गैमेटोफाइटिक, सिंगल है ना, तो दिस वन इज गैमेटोफाइटिक, और बाकी जो भी आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी क्या है, स्पोरोफाइटिक। मैंने आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए तरीका भी बताया कि स्पोरोफाइटिक यानी कि 2n और गैमेटोफाइटिक यानी कि n, जहां जहां n है सभी के सभी स्पोरो गैमेटोफाइटिक में आएंगे, और जैसे ही 2n वहां पर आ गया तो वो क्या आ जाएगा बेटा, वो स्पोरोफाइटिक के अंदर में आ जाएंगे। तो एंजियोस्पर्मी प्लांट हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक कम से कम 10 टाइम जरूर पढ़े बेटा, अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो 10 times एनसीईआरटी, उसके बाद मेरा पहले मेरी नोट्स पढ़िए, मेरी क्लास को देखिए, मेरे नोट्स को पढ़िए, देन आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उसके बाद जो आपका जो रेफरेंस बुक आपके स्कूल के द्वारा आपके कोचिंग के द्वारा जो दिया गया है, तो उस रेफरेंस बुक को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, है ना। यही बेस्ट तरीका बेटा, यही बेस्ट तरीका है स्टडी करने का, ये जरूर आप करें। नेक्स्ट क्लास में बेटा हमारी इस चैप्टर की यानी कि प्लांट किंगडम की आखिरी क्लास होगी, वो क्या है बेटा, जहां पर हम लोग बाइंड अप करेंगे किसको भाई, लाइफ साइकिल को, कि डायप्लोंटिक लाइफ साइकिल किसकी होगी, हैप्लोंटिक किसकी होगी, हैप्लोडायप्लोंटिक किसकी होगी, किन में गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होगा, किन में स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होगा, उन सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे वहां पर कंप्लीट करेंगे, उसको बाइंड अप करेंगे, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए बेटा, बाकी हम लोग इन सारे टर्म्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुका, लेकिन बाइंड अप करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी भी आपको मैं समझा चुका हूँ कि अगर लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी का जो प्लांट किंगडम का जो आखिरी पेज है बेटा, लास्ट 2 पेज जो है, जो लाइफ साइकिल के बारे में डिस्क्राइब किया है, वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर लाइफ साइकिल से आता है तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे। तो वो बाइंड अप वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।